सबसे पहला प्रश्न है कि बटरफ्लाई सेमिनार का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 2019 का करंट अफेयर है ये, ओके, लास्ट 2019 और शुरुआती 2020 का। तो बटरफ्लाई सेमिनार प्रारंभ हुआ था 2 नवंबर 2019 को, के विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न कि बटरफ्लाई सेमिनार में किस टाइगर रिजर्व की तितलियों का अध्ययन किया जाना है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तितलियों का अध्ययन बटरफ्लाई सेमिनार के अंतर्गत किया जाना था। देश में पहली बार स्टीम कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देश में पहली बार स्टीम कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। स्टीम कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो स्टीम कॉन्क्लेव देश का पहला स्टीम कॉन्क्लेव है, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में, ओके। और मध्य प्रदेश के कौन से शहर में? तो मध्य प्रदेश के भी भोपाल में। अगला प्रश्न है कि स्टीम कॉन्क्लेव 2019 के अंतर्गत किस स्तर पर स्टीम प्रणाली को अपनाया जाना है? तो यह स्कूल स्तर पर अपनाया जाना है, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध वटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो वटेश्वर मेले का आयोजन किया गया मुरैना में, ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। कभी भी पूछ लिया जाता है कि बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मुरैना। प्रश्न है कि बटेश्वर मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? वर्ष 2019 का करंट अफेयर है, देखिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ। तो बटेश्वर मेले का आयोजन किया गया 25 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। प्रश्न है कि इंदौर में पहली बार किस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? इंदौर में पहली दफ़ा उस्ताद आमिर खां और जहांगीर खां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रश्न के उस्ताद आमिर खां सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खां सम्मान से सम्मानित किया गया पंडित अजय पोहनकर को। जहांगीर का सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जहांगीर का सम्मान से पंडित किरण देश पांडे को सम्मानित किया गया। मानसिक चिकित्सालय वाड़ गंगा इंदौर तथा पुलिस विभाग द्वारा किन व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई? तो ये मानसिक पीड़ित व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई, और यह सेवा किन किन के सहयोग से प्रारंभ की गई? तो मानसिक चिकित्सालय बाढ़ गंगा इंदौर और पुलिस विभाग के सहयोग से। प्रश्न की स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड भोपाल के सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह आशीष पाठक ने पदभार ग्रहण किया। प्रश्न, कौन सी कंपनी प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट और एक सीमेंट ग्रेन प्लांट लगाएगी? तो इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट और एक सीमेंट ग्रेन प्लांट लगाएगी इंडिया सीमेंट्स। प्रश्न, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में सखा कैब का संचालन प्रारंभ हुआ है? तो सखा कैब का संचालन प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्रश्न, सखा कैब का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? तो सखा कैब का संचालन समा सोसाइटी इंदौर, आज़ाद फाउंडेशन दिल्ली, सखा बिंग, इन तीनों के ही सहयोग से किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है सखा कैब का संचालन? इंदौर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में ग्रीन स्नातक प्राण पत्र योजना प्रारंभ की गई है? तो यह ग्वालियर, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न, पशुपतिनाथ मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो पशुपतिनाथ मेले का आयोजन मंदसौर में किया जाएगा। प्रश्न है, पशुपतिनाथ मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो पशुपतिनाथ मेले का आयोजन 8 नवंबर से प्रारंभ हुआ, और कितने दिवस तक ये पशुपतिनाथ मेला चला था? तो कुल 20 दिन तक पशुपतिनाथ मेला चला था। भाई हमने ऊपर देखा कि वटेश्वर मेला कहाँ पर लगाया गया, तो मुरैना में। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ जांचने की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है? इस प्रश्न का जवाब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह आपको टॉप एमपी करंट अफेयर जेल प्रहरी परीक्षा के लिए उपलब्ध
कराया जा रहा है।